हाँ जी बेटा जी, इसके बाद है जी इसका थर्ड पार्ट है एक्सेलरेशन। हाँ जी बेटा जी, एक्सेलरेशन जो है, जब बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन में, जो एक्सेलरेशन होता है वो बेटा जी कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है। और उस वक्त तो बेटा जी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि एट पॉइंट बी जो उसका बेटा जी एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा बेटा जी? ए पी के। और उसकी डायरेक्शन बेटा जी क्या होगी? टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। आपने क्या करना है कि उसका प्रोजेक्शन लेना है, तो वो बेटा जी प्रोजेक्शन इधर आएगा। मतलब ये है कि आपने ए जो है बेटा जी वो क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अल्लाहु अकबर। इसके बाद बेटा जी आपका जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है बेटा जी किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर ओवर आर के, ठीक है जी। अब हमने इसकी शक्ल में लिखना चाह रहे हैं, तो बेटा जी ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये पी हो जाएगा। अब वेलोसिटी जो है बेटा जी वो उसको हमने लीनियर वेलोसिटी है, उसको बेटा जी हमने एंगुलर वेलोसिटी के बराबर की फॉर्म में लिखना है। तो फिर बेटा जी हमें पता है कि वी जो होती है वो किसके बराबर होती है? आर ओमेगा के बराबर होती है। तो ये बेटा जी आ जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा जी आर आ जाएगा। मतलब ये है कि आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, तो ये बेटा एक आर से कैंसिल, एपी जो है बेटा जी वो किसके बराबर आ गया? आर ओमेगा स्क्वेयर के बराबर आ गया। अब यहां पे बेटा जी हमने रेडियस जो है वो किसकी फॉर्म में लिया हुआ है? एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एपी आर की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स नॉट होगा और ये बेटा जी ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसको बेटा जी अगर हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं, एट पॉइंट पी उसका बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है जी। लेकिन आपने कौन सा बेटा जी फाइंड आउट करना है? ए करना है। तो बेटा जी अगर ये ए है तो फिर हम कह देते हैं कि ये वाला भी ए होगा, ठीक है जी। तो ये बेटा जी अगर हम कहते हैं कि जी ये वाले अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो साइन थीटा बेटा जी किसके बराबर होगा? ए ओवर ए बी के, ठीक है जी। ये जो होगा बेटा जी बराबर होगा ए बी साइन थीटा, ठीक हो गया। एपी की जगह बेटा जी हम क्या लिखेंगे? एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, साथ क्या आ जाएगा बेटा? साइन थीटा। ये बेटा जी आपका एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में आ गया? लीनियर एक्सेलरेशन, और साथ बेटा जी थीटा की फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको बेटा जी एक्स और एक्स नॉट की शेप में लिखना चाहते हो तो ये बेटा जी अगर आपका एक्स नॉट है तो ये बेटा जी एट एनी इंस्टेंट जो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा जी वो एक्स है, तो ये वाला भी बेटा जी क्या होगा? एक्स होगा। तो साइन थीटा में पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा बेटा जी? एक्स, ठीक है जी। ओ सॉरी एक्स है, और बेटा जी हाइपोटेन्यूस कौन सा बेटा जी? एक्स नॉट है। तो साइन थीटा की जगह बेटा जी आपका आ जाएगा एक्स ओवर एक्स नॉट, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की जगह एक्स ओवर एक्स नॉट आ गया। ये बेटा जी एक्स नॉट के साथ कैंसिल, तो ये बेटा जी आ गया एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा चूंकि इसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन है, कैसे बेटा जी? अगर ये बेटा जी एरो का साइन, एरो अगर हम कंसीडर करते हैं तो
ए भी इधर है बेटा जी, ठीक है। अब मूव जो कर रहा है बेटा जी वो इधर ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब ये कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो भी बेटा जी क्या करेगा डाउनवर्ड जो है बेटा जी वो मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेटा जी क्या होगी टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। ये बेटा जी क्या होगा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म में बेटा जी एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में ये होगा। इसको बेटा जी देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आती तो फिर बेटा जी मेरा साथ कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेटा जी आपका 7.2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल बेटा जी हम इसका जो आगे है फेज जो है 7.3 वो बेटा जी हम शुरू करेंगे।